ठीक हो और आप लोग सब खुशबाश है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं अपने किचन में लेके आई हूँ ब्लैक चने, चटपटे मज़ेदार, और ये ज़रूर खाने चाहिए। आप चने चाट बना के खाएं, नमकीन जो कढ़ाई में डाल के भून के खाते हैं वो भी खाएं, इसके मीठे चने बना के खाएं, चटपटे खट्टे और जो भी हांडिया जैसे जो भी चीज़ें बनानी है ना, कि ब्लैक चने खाने चाहिए। जिन लोग हज़रात को गोश्त खाने की परहेज होते हैं, कुछ लोग वैसे ही नहीं चाहिए गोश्त खाते, तो चनों के अंदर जो चीज़ें आपने गोश्त में लेनी वो चनों में ले लिया करो, इसमें भरपूर ताकत होती है और आपने इस्तेमाल करनी। आज मैं आप लोगों को बनाने का तरीका। जी नाज़रीन, ये देखो हमने चने रात को मीठे सोडे के साथ भिगे थे, एक पाउच चने हैं और हमने पहले ही 2 बजे करीब हमने बॉयल कर लिए थे। ये 20-25 मिनट के टाइम में बॉयल होते हैं, हमने क्या इतना टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ये देखो ये गल गए हैं बिल्कुल, हमने इसका ये ब्लैक पानी सारा निकाल देना, बिल्कुल एक कप रखना है पानी का बस, बाकी हमने निकाल देना क्योंकि इसकी जो चीज़ गजाइत हुई ना वो ना ज़ाया हो, तो हमने एक दो कप रखने, बाकी हमने पानी इसका निकाल देना है। और ये इनके मसाले हैं, ये दरमियाने साइज़ के 4 प्याज हैं और धनिया, ये सुरख मिर्चें हैं भर के 1 चम्मच, 1 चुटकी काली मिर्चें हैं, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच है, इसमें नमक है, चनों में पहले डाल दिया था अब ये हमने 1/2 चम्मच रखा हुआ है, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक नमक पूरा कर लेना है। और ये 1 लौंग, 2-3 काली मिर्चें, दालचीनी, थोड़ा सा गर्म मसाला डालना है इसमें, ज़्यादा नहीं डालेगा। और ये हल्दी है, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, ये लेमन में ऊपर सजावट के लिए करूँगी, कुछ सब्ज़ी मिर्चें करूँगी, कुछ प्याज, और ये टमाटर हमने पेस्ट बना रखा है, बना के रखा हुआ है, ये हमने फ्रीज़ कर लिया था, जो मैंने आपको ये चिली रेसिपी में मैंने दिखाया था कि फ्रीज़ करके बाद हल्का सा पानी में निकालो और छिलका बारीक सा छील लो और उसको पीस लो, फिर ऐसे ना पेस्ट बन जाता है ना, आपके ग्राइंडर जूसर कोई चीज़ भी नहीं ख़राब होगी और फ्रीज़ भी, और टमाटर हो जाते हैं ज़्यादा होते हैं नीचे ख़राब हो जाते हैं, फिर वो फ्रीज़र के ऊपर हमने रखने पड़ते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और आप भी ऐसे कर लिया करो। अब हम इस मसाले चने के मसाला तैयार करते हैं, हमने मसाला फ्राई करके नहीं बनाना, बॉयल करके बनाना है। ये देखिए ये हमने प्याज इसमें डाले हैं, हम शाम की हांडी तैयार कर रहे हैं। प्याज को हमने हल्का फुल्का सा खाना खा लिया था, अब हम शाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये हमने नमक डालना है इसके अंदर, और ये पिसा गरम मसाला और काली मिर्चें जो हमने पहले आपको रिपीट करके बताई थी, अब दोबारा हम ये डाल के दिखा रहे हैं, ये चीज़ें हम बाद में डालेंगे। और इसके अंदर हमने ये डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक हो गया, ये थोड़ा सा हमने बचा लेना है, बाद में हम जब घी डालेंगे उसमें डालेंगे, ये हमने डाल दिया, ठीक हो गया। और हम इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास भर के पानी का, करके हमने पानी का डाल दिया है, फिर हम 5-10 मिनट बाद आपको दोबारा मिलते हैं, इंशाल्लाह हमारी रेसिपी करीब होगी। ये इसको हमने पहले तेज़ फ्लेम में बनाना है और उसके बाद हमने हल्की लो में ना इसको दम कर देना है, जल्दी से प्याज ये रोस्ट हो जाएंगे, मतलब ये गल जाएंगे, फिर हमने इसका मसाला तैयार करके दिखाएंगे, फिर चने डाल के दिखाएंगे ये कैसे बनते हैं। देखिए नाज़रीन, ये हमारे प्याज बिल्कुल मैट हो गए हैं और हम हल्दी नमक हल्दी और ये मिर्चें और ज़ीरा इसके अंदर डाल दें, साथ चने भी डाल दूंगी, पानी भी डाल दूंगी इसके अंदर, टमाटर ये चने डाल दूँगी इसके अंदर, ये मैंने थोड़ा सा पानी डालना है, सारा नहीं डाला, ये चनों का पानी है, चने अलग कर लिए थे और चनों का पानी है ये, इसलिए मैंने कम डाला है, फिर सारा डालूँगी तो ब्लैक हो जाएंगे, इसलिए मैंने कम डाला ना, अब ये ब्लैक नहीं होंगी, ताकि इनकी जो फायदे हैं ना वो भी कम ना हो, हमने इसके पूरे फायदे लेने हैं। अब इसको ढकेंगे 10 मिनट के लिए, मसाला इसके पक जाएगा इसके अंदर चनों के साथ, फिर हम इसको भून लेंगे, घी डाल के, हरी मिर्चें डाल के,
आधा किलो थोड़ा सा डाल के ठीक है भैया, अब हम 10 मिनट बाद मिलते हैं दोबारा। अरे हमने है ना ये मसाले के अंदर, प्याजों के अंदर, टमाटर के साथ ये हम चने रखे हुए हैं ना, ये बन रहे हैं। अब इसके अंदर हम ये सब्ज़ी मिर्ची 3 डाल देंगे। अब इसके अंदर अब घी डालेंगे कि इसके अंदर जो चने के साथ है ना मिर्ची रच बच गई हैं, एक डेढ़ चम्मच हमने डाल दिया घी का। ये जो हमने थोड़ा सा अदरक बचाया हुआ था ना, ये हम घी के साथ ही डाल देंगे। घी का कच्चापन खत्म हो जाएगा, साथ इसका जायका आना शुरू हो जाएगा। और बस 5 मिनट और लगेंगे और फिर हमारी हंडी तैयार हो जाएगी। बगैर ब्लैक चनों वाली हंडी हमारी फिर तैयार हो जाएगी, आपको मैं दिखाऊंगी। आप अपने घर में ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और ऐसा आने वाली वीडियो हर अच्छी रेसिपी के साथ आप लोगों को मिलती रहेगी। और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप ज़रूर हमारी हांडी जैसी भी रेसिपियाँ अच्छी वाली आती हैं ट्राई करा करो, कमेंट्स किया करो, ताकि हमें पता चले कि हम जो काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कैसा हो रहा है। हमारी हांडी चने वाली तैयार हो गई है, इसका घी भी अच्छे से पक गया है, लहसुन जो हमने इसमें पाया था वो भी अच्छे से पक गया है, और बहुत मज़ेदार लजीज़ा बनी हुई है, जैसे कोई है ना गोश्त का जायका नहीं होता ऐसे बनी हुई है। और हम आपको ना निकाल के भी दिखाएंगे, तो खा के देख ले। आप चेक करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँ आपको चेक करा नहीं सकती, ऐसे करके चेक करा। ये ऐसे चेक कर लो, ऐसे करके ऐसे, आप ऐसे आप घर में बना के ट्राई कर लेना ना, कभी किसी टाइम में हमारे घर में मेहमान बन के आना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर अपनी रेसिपी बना के खिलाऊंगी। जो चने में जायका होता है वो किसी चीज़, ये हम शोरबे वाले बनाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐसे करके छिड़क रहे हैं, गरम मसाला या फ्रूट चाट मसाला होता है ना वो कर लें। ये है गरम मसाला हम हांडी में डाल दें। ये हमारी शोरबे वाली हांडी तैयार हो गई है। ये शोरबे वाले चने, ये चटपटे, ब्लैक चनों में जो जायका है वो किसी और व्हाइट चनों में नहीं है। व्हाइट चने अपने तरीके से बन रही है, लेकिन फायदा ही जरूर।